सो हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम वीरू, मैं बताने वाला हूँ कि एआई स्टोरी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग स्टोरी लिखते हैं, काफी लंबा चौड़ा लिखते हैं, स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं। काफी सारे लोग सोचते हैं कि मेरी कुछ ऐसी स्टोरी हो जो लंबी भी हो, काफी अच्छी भी हो, शानदार भी हो। तो आज की डेट में एआई सब चीजों की मदद कर रहा है। एआई से वीडियो बनाना हो, एआई से फोटो जनरेट करना हो, एआई से स्टोरी भी बना सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है, बस थोड़ा सा ही आपको उसमें लिखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं अपनी स्टोरी, अगर आप अपनी स्टोरी शानदार बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मैं बताने वाला हूँ उसको पूरा वॉच करिएगा और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा। तो आप भी अपने लाइफ की जो स्टोरी बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से बना एडवेंचर बनाना चाहते हैं, माउंटेन वाला बनाना चाहते हैं, लव सैड, कोई भी आप स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। बस मैं जो बताने वाला हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एआई स्टोरीज में बता रहा हूँ, उसके बाद एआई वीडियो, एआई फोटो जनरेट, मैंने सब वीडियो एआई की डाल दी हुई अपने चैनल पे, वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले बताते हैं आपको कि एआई स्टोरी कैसे जनरेट की जाती है, अपनी कहानी कैसे आप किसी को बना के दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, सुना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो चलते हैं, फटाफट बताते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले चलते हैं अपने न्यू ऐप में जिसका नाम है एआई स्टोरी क्रिएटर, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के बाद फिर कंटिन्यू, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी ऑप्शन आ गए, यहाँ पे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद आ गए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है काफ़ी सारा एआई, ठीक है, काफ़ी सारा एआई दिया गया है। तो हमको जो भी बनाना है यहाँ से हम बना सकते हैं आसानी से, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। नोवेल एआई, क्रिएट योर ओन स्टोरी, ठीक है। तो क्रिएट योर ओन स्टोरी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 3D करेक्टर, एनिमे पोर्ट्रेट, उसके बाद एडवेंचर स्टोरी फॉर किड, रोमांस, जो भी यहाँ पे यूज़ करना है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, 3D करेक्टर, ठीक, 3D करेक्टर है, उसके बाद यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपनी फ़ोटो एक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर क्यों नहीं जा रहा, यहाँ पे एक फ़ोटो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं, अच्छी सी कोई ये ले लेते हैं, ठीक है, इस पर हो गया। उसके बाद फ़ोटो कहाँ गई हमारी, फ़ोटो जल्दी दिख गया, फिर से चलने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे, फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक किए यहाँ पे, जनरेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर क्या है, मेन कैरेक्टर क्या लिखें यहाँ पे, लिख देते हैं कोई रोमांटिक, ठीक है, रोमांटिक। उसके बाद करेक्टर नेम बीरू, फिर उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे लव कपल, ठीक है, लव कपल हो गया। उसके बाद है हैप्पी एंडिंग, ठीक है, जनरेट, कट करेंगे, जनरेट, कंटिन्यू विद फ्री करने के बाद इंस्टाइलाइजेशन, उसके बाद जनरेटिंग, उसके बाद जनरेट होके कुछ ही सेकंड में हमारे पास फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। तो अभी जनरेट हो रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, प्रोसेसिंग होने के बाद हमारी जो फ़ोटो है, जो भी हमने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद ये देखिए लव कपल, सेव द लाइब्रेरी, कंटेंट आ गया यहाँ पे, वंस अपॉन ए टाइम इन ए क्वाइंट लिटिल टाउन, नेस्टेड एमिडेस्ट द, अरे भाई साहब ये क्या लिख दिया तूने। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करते, कमेंट करते, शेयर करते और सब्सक्राइब करते। इसी तरीके की और भी वीडियो आती रहेगी, और भी आई हुई हैं, तो वहां पे जाके आप हमारे चैनल पे जो भी वीडियो है वो ऐसा देखें,
आप भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना साथ देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहिए। थैंक यू।